ऐसी आ रहे हैं। ये देखो बंदा मतलब ये लाइट ऑफ कर लेता है, ये लाइट्स ऑफ भी नहीं करी, ये मेहमान ऐसी आ रहे हैं। तो अभी हम डंकिन डोनट आए, ये रहा। यहाँ पे उजैर भाई ऑर्डर दे रहे हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा काम करेंगे। हमारा यहाँ पे ऑर्डर आ गया है, मेरा ये रहा और उजैर भाई का ये रहा, ग्रिल फ्राइड चिकन। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी कुछ 7 AM हो रहे हैं, हाँ ऑलमोस्ट 7 AM हो रहे हैं। ये मुर्गा मुझे वीडियो नहीं बनाने देगा। मैं 5, 5:30 या 6 बजे तक मैं सोने लेटा काम वगैरह करके, तो जो उजैर भाई की मेरे पास कॉल आई, उजैर भाई बोल रहे हैं रेडी रहो मैं आ रहा हूँ फिर नाश्ते पे चले। मैंने बोला ये उजैर भाई ना मुझे ना सोने देंगे ना कुछ करने देंगे, नाश्ता करवा लो इन। खैर अभी आ रहे हैं, देखते हैं कहाँ आएंगे। ये देखो बंदा मतलब ये लाइट ऑफ कर लेता है, ये लाइट्स ऑफ भी नहीं करी, ये मेहमान से ऐसे ही आ रहे हैं। क्या है यार बंदा लाइट्स ऑफ कर लेता है, मतलब मेहमान साहब ऐसे ही आ रहे हैं। निकला था और हाईवे पे फुल इतनी फॉग हो रही थी, अगली गाड़ी नजर नहीं आ रही। अरे मजा आया, खैर हाईवे पे आपको चले। अभी क्या सीन है तुम बताओ, 5 स्टार चलते हैं, देखते हैं कहाँ करते हैं नाश्ता। वो वाली नहीं करी, करनी है अभी, लैपटॉप लाओ साथ बैठे करी हुई। चलो करते हैं 5 स्टार, अभी चलते हैं फिर नाश्ता वगैरह करते हैं वहाँ पे, ठीक है। 5 स्टार का ही कर लो, ठीक है भाई। हम ना मतलब 5 स्टार जा रहे थे, हम लोगों ने आपके सामने भी प्लान किया कि 5 स्टार। मैंने बोला अगर ज़्यादा बंदे होते उजैर भाई तो CV वाले मैकडोनल्ड्स देते, लेकिन यहाँ पे मैकडोनल्ड्स में भी चोरीपन है। अगर आप जौहर वाले मैकडोनल्ड्स जाओ तो वहाँ पे आपको कुछ मफिन पड़ता है 550 रुपये का, और अगर आप CV वाले जाओ तो मफिन पड़ता है वहाँ 350-400 का। मतलब यहाँ पे हैश ब्राउन भी नहीं डालते हैं। हाँ हैश ब्राउन भी कुछ भाई, यहाँ पे हर जगह चोरी है। मतलब बंदा चलो पैसे दे रहे हैं तो खाना भी तो अच्छा दो, वहाँ पे हैश ब्राउन भी नहीं डालते, ऑप्शन भी तो नहीं है। अबे ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पे, मतलब हमें स्टारबक्स भी नहीं है यहाँ कराची में। इस्लामाबाद जाओ 15,000 का टिकट करा के, अब क्या करे बंदा यार। अरे मुझे तो ठीक नहीं लग रहे हैं हालात यार, आलू का पराठा ही खाओ फिर। आलू का पराठा ही खाना पड़ेगा मुझे तो लग रहा है। अब सीन ये है कि हम लोगों ने पीछे अभी 5 स्टार स्किप कर दिया है, क्योंकि 5 स्टार में सिर्फ हवेली खुला हुआ था एक, जहाँ पे मैंने सोचा था कि नाश्ता कर लें, लेकिन उजैर भाई ने बोला यार छोड़ो कहीं दूर चलते हैं डेल फ्राई वगैरह। बीच में से दमदल जा रहा था, उजैर भाई ने बोला यहाँ पे नाश्ता कर लेते। मैंने बोला उजैर भाई नहीं यार प्लीज, बिल्कुल भी नहीं, पूरा बचपन दमदल पे हलवा पूरी खाते खाते निकल गया, अब नहीं। एक बार हमने दमदल का ब्लॉग भी बनाया, दमदल का ब्लॉग भी बनाया था मेरे साथ, तुमने उजैफा। हाँ हाँ, मगर आप जाके चेक कर सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियोज में, होगा प्रमोशन हो गई है। अभी हम लोग जा रहे हैं, कोई डिसाइड नहीं किया, आपको पता है अनइवेंटफुल व्लॉग्स होते हैं मेरे, तो अभी कोई डिसाइड नहीं है। मगर ये है कि डेल फ्रायो का सीन, अगर तुम कहीं प्रमोशन करते ना तो वो भी मिलियनर होते। अरे कसम से इंशाल्लाह एक दिन होंगे वो भी। ओके तो भाई डेल फ्रायो आ गया, ये रहा। अभी हम लोग गाड़ी पार्किंग में लगाएंगे और फिर चलते हैं, ठीक है उधर भाई इधर लगा दे। डेल फ्रायो पे मतलब ज्यादातर सैंडविचेस मिलते हैं, अभी मैंने मेन्यू चेक करा पहली बार, क्योंकि आज से पहले मैं डेल फ्रायो नहीं गया हूँ, तो अभी मैंने मेन्यू चेक करा तो ज्यादातर सैंडविचेस हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक केक होता है लोटस चीज केक, तो मुझे काफी पसंद है। उधर भी आपने खाया कभी लोटस चीज केक? नहीं खाया, सैंडविच खाया मैंने। मगर यहाँ का डेल फ्रायो का लोटस चीज केक होता है, मुझे मैंने डेल फ्रायो का नहीं खाया मगर लोटस चीज केक होता है वो मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक आज मैं ट्राई करूंगा डोनट खाने। तो अभी हम डंकिन डोनट आए, ये रहा। और क्योंकि डेल फ्रायो 8 बजे तक खुलेगा, अभी कुछ हो रहे हैं 7:40 AM, तो हमने बोला यार चलो जब तक डोनट ही खा लेते हैं। डंकिन डोनट का मुझे एक कॉफ़ी फ्रॉस्टेड एक यहाँ पे डोनट होता है, मुझे काफ़ी पसंद है वो, ये रहा। उधर पे आपका आपको कौन सा पसंद है? मैं भी ये ले लूँगा या फिर देखते हैं। मैं तो ये वाला ले रहा हूँ, आप कौन सा ले रहे हैं? ये वाला ये वाला, चलो मेरा तो कॉफ़ी फ्रॉस्टेड ऑर्डर करते हैं आप बस। ये सगर डिलाइट है, इसको कॉफ़ी फ्रॉस्टेड डन हो गया। ये हमारा आ गया, मेरा कौन सा है? मेरा ये वाला है और उजैर भाई का ये वाला। हम लोग यहाँ पे डोनट खाएंगे। ये उजैर भाई कैसा है आपका? बहुत टेस्टी। अच्छा मैंने अभी तक ट्राई नहीं करा, ये उजैर भाई ने थोड़ा सा खाया है। खैर अभी हम लोग ये ट्राई करके हम लोग फिर जाएंगे डेल फ्रायो, वहाँ पे कुछ सैंडविचेस वगैरह खाएंगे, क्योंकि डोनट तो हमारा हो गया, क्योंकि अब मैं केक नहीं खाऊंगा, मीठा तो हो गया। मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ कि कैसा है। अच्छा यार काफ़ी अच्छा, बस मीठा बहुत है, मगर डोनट तो मीठा होता ही है यार, है ना? लेकिन अच्छा है, डोनट वगैरह खा लिए, अब हम चलते हैं डेल फ्रायो। डेल फ्रायो पर सैंडविच वगैरह ही मिलेंगे अब तो। हाँ 7:45 हो गए, चलते हैं। अभी हम लोग डेल फ्रायो के बाहर खड़े हैं, ये देखें, और क्योंकि अभी टाइम है 10 मिनट है जाने में, अभी टाइम हो रहा है 7:49
ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हैं अभी जाने में, जब तक मैंने बोला उज़ैर भाई या जब तक मेरी वीडियो आप पब्लिश कर दें, तो उज़ैर भाई अभी मेरी वीडियो पब्लिश कर रहे हैं यहाँ पे, जब तक हम लोग 10 मिनट अभी वेट करते हैं वीडियो अगर पब्लिश हो रही है, थोड़ा काम भी कर लेंगे। 8 बज गए, चले उज़ैर भाई। हाँ चलो भाई। चलो भाई यहाँ पे उज़ैर भाई ऑर्डर दे रहे हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा काम करेंगे। अभी मैं ऑर्डर देने का सोच रहा हूँ, मैंने देखा है यहाँ पर कोरियन फ्राइड चिकन है, तो मैं तो ये कर रहा हूँ। उज़ैर भाई आपका क्या है? मैं सैंडविच करूँगा, तुम देख लो पहले, फिर इसके बाद में देखो। मेरा तो कोरियन फ्राइड चिकन है। हाँ बस मेरा वो ग्रिल सैंडविच कर दो पीछे से। पीछे जो है बस ठीक है। ठीक है भाई, ओके। हमारा यहाँ पे ऑर्डर आ गया है, मेरा ये रहा और उज़ैर भाई का ये रहा, ग्रिल फ्राइड चिकन। ओफो, मेरा यार मतलब दिखने में अच्छा नहीं है, मैं खाने में मुझे लग रहा है अच्छा होगा, और टेस्टी होता है इसको, खाओ तो। बस आप ट्राई करेंगे जब तक आप सिनेमैटिक्स देखें। ब्रेकफास्ट तो नहीं पूरा लंच ही था, इतना सारा था, हम लोगों ने पार्सल भी करा लिया। खैर अब घर चलते हैं, बहुत ज्यादा खाली है। चले भाई। घर मेरा आ गया यहाँ पे और उज़ैर भाई पहले की तरह आज भी अपने घर जाएंगे यहीं से वापसी, ठीक है उज़ैर भाई? और मैं अपने घर तो मेरा यहीं पर है, मैं बस जाके सोऊंगा। उज़ैर भाई तो 6 बजे उठ गए थे और मैं बस लेट ही था, तो उज़ैर भाई ने मुझे उठा दिया था। खैर ठीक है भाई उज़ैर भाई। ओके भाई, ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़, कल मिलते हैं। सब सो रहे और तो मैं आप लोगों से सुबह मिलता हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ सोने, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो, उठते उठते 5 बज गए यार, तकरीबन ऑलमोस्ट 7 घंटे सो गया मैं और आवाज़ भी अजीब सी हो रही है। खैर रूटीन बहुत ख़राब हो गई है क्योंकि मेरा काम जो है वो रात का है और रात में ही होता है, तो इसलिए देर हो रही है आजकल उठने में। खैर इंशाल्लाह हम लोग रूटीन भी सेट कर लेंगे एक ही हफ्ते में इंशाल्लाह। खैर अभी मुझे नाश्ता करना है, कह रही नाश्ते का टाइम तो है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ चाय पीते हैं यार, चाय पीते हैं मैं तो कह रहा हूँ। अभी तो 5 बजे, अम्मा यहाँ बैठी हुई हैं, मम्मा मुझे एक कप चाय दे दे यार मम्मा। अब हम लोग चाय पियेंगे, जब तक अजान हो रही है तो अजान का एहतराम भी जरूरी है, अजान के बाद बात करते हैं। अजान खत्म हो गई है और ये रखी है हमारी चाय, अब चाय पी लेते हैं क्योंकि नाश्ता वगैरह भी नहीं किया है। शाम में चाय का मजा ही अलग है भाई, शाम में चाय के गेम्स ही अलग होते हैं। बाद में यहाँ पे सिपारा पड़ रही है और हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं जब तक। तो आज इतना कुछ ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, तो हम लोग आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आप लोगों को मेरे डेली व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।